बड़ी खबर बाजार से, आपको बता दें कि सेंसेक्स में 1200 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है। जो सेंसेक्स बजट से पहले काफी बढ़ता जा रहा था, अब काफी गिरावट देखने को मिल रही है। आम बजट के बाद से लगातार इसमें कुछ अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज भारी गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में। करीब 34,000 के पास कल तक ये पहुंचा हुआ था, अब 1200 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आम बजट से पहले 36,000 का आंकड़ा पार कर गया था पहली बार सेंसेक्स, लेकिन अब सेंसेक्स में 1200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल की अगर बात करें तो 310 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज की बात करें तो 1200 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है। आम बजट के बाद से शेयर बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को सेंसेक्स में 310 अंकों की गिरावट के साथ 34,757 पर बंद हुआ था, लेकिन अब इसमें 1200 अंकों की गिरावट आ गई है। तो करीब इसकी बात करें तो 33,000 के आसपास ये पहुंच गया है। हालांकि शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले हैं। वैश्विक बाजार में भारी गिरावट का असर इसे माना जा रहा है। और उसी के साथ आपको बता दें कि शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांक जो सेंसेक्स है उसमें 1200 अंकों की एक गिरावट देखी गई है। तो लगातार बजट के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि गिरावट इसमें आ रही है। हालांकि वैश्विक बाजार के जो हालात बने हुए हैं उसे भी एक असर इसे माना जा रहा है। वैश्विक बाजार में भारी गिरावट का इसे असर माना जा रहा है कि 1200 अंकों की ये भारी गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है। तो सेंसेक्स लगातार गिरता ही जा रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों की बात करें, आज लेकिन इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। करीब 1200 अंकों की गिरावट हुई है सेंसेक्स में। जो सेंसेक्स करीब 36,000 का आंकड़ा पार कर गया था, अब उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1200 अंकों की आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद भी माना जा रहा है कि उसी की वजह से ये हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट के चलते ये हुआ है। दरअसल ये दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाने की वजह हालांकि पहले मानी जा रही थी कि लॉन्ग टर्म वजह की जो LTCG है उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक वजह ये बड़ी सामने आ रही है कि वैश्विक बाजार में भारी गिरावट का ये असर माना जा रहा है। तो सेंसेक्स में 1200 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल भी इस पूरे मामले को लेकर जो शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, जो वित्त सचिव है हसमुख अधिया उनकी तरफ से कहा गया था कि जो LTCG है कर लगाने की वजह से नहीं हुआ है ये, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट की वजह से हुआ है। नरेश सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। नरेश, जो आज गिरावट देखने को मिली है, करीब 1200 अंकों की गिरावट है, वैश्विक बाजार का इससे असर माना जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिल्कुल वैश्विक बाजार का तो असर है ही, क्योंकि सुबह बाजार खुलने के पहले ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। जब SGX 50 जो जहां पर सिंगापुर से निफ्टी के क्लूज मिलते हैं, 350 अंकों की गिरावट वहां पर दिख रही थी, तो एक अंदाजा पहले से था कि आज बाजार में एक बड़ी गिरावट दिख सकती है। ऐसे भी आप देखिए, शेयर बाजार को इस साल करीब 40% के आसपास का ऐसे रिटर्न दिया है, और लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ओवर वैल्यूड टेरिटरी में बाजार आ चुका है। लगातार बढ़त का सिलसिला बना हुआ था, विदेशी निवेशक लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे, घरेलू संस्थागत जो निवेशक है उनकी ओर से भी खरीदारी का रुझान पिछले कई महीनों से कंसिस्टेंटली बना हुआ था, और एक्सपर्ट सारे कह रहे थे कि ऐसा हमेशा चलता नहीं है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि अरविंद जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी अभी हाल ही में आशंका जताई थी कि बाजार जो है गिर सकते हैं, ऐसा खतरा है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी तेजी के साथ गिरेगा इसका अनुमान शायद किसी ने नहीं लगाया था। और जैसा आपने ठीक कहा कि LTCG जो LTCG पर 10% टैक्स लगा, ये सीधे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत खराब ये खबर हो गई कि अब वो अगर जब इन्वेस्ट करेंगे और साल भर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं जो बाकी सस्ते बाजार हैं। सिंगापुर में पहले से हमारे बाजारों से वहां की ओर इन्वेस्टमेंट जा रहा था। इसके अलावा US में भी अब ब्याज दरें बढ़ने का जो सिलसिला वो हाल फिलहाल में दिखाई दिया,
उस वजह से भी भारतीय बाजारों से पैसा निकल कर वहाँ जा रहा था, लेकिन इस खबर ने जी एक मौका दिया शायद उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिनकी तरफ से बिकवाली देखने को मिली है जी, और वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर भारतीय बाजारों पर बना। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी देने के लिए।